नमस्कार दोस्तों, ब्लरी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि जितना ज्यादा डरावना है उतना ही ज्यादा यूनिक है। ये घटना आज से ठीक 4 महीने पहले सोम नाम के लड़के के साथ बीती थी। इस घटना के बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब ये घटना घट रही थी उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि ये घटना ऐसी चीज के दौरान घटी जहां पे ये सब घटना पॉसिबल ही नहीं था। क्या था कुछ आप लोगों को सब समझ में आएगा अभी। आज से ठीक 4 महीने पहले सोम और उसके बचपन के दोस्त जितेंद्र दोनों टहलने के लिए निकलते हैं। दरअसल शाम के 7 बज रहे थे। बात पूरी ये है कि सोम और जितेंद्र की बचपन से आदत थी, घर के आसपास रहा करते थे और रोज शाम को 6 बजे वो लोग टहलने निकला करते थे। बढ़िया टहलते थे और 7 बजे तक घर रिटर्न। लेकिन जो मैं घटना बता रहा हूं जिस रात की, उस रात को ये लोग शाम को 7 बजे घर से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रात थी वो एक बड़े पर्व की रात थी, बड़े त्योहार की रात थी। शनि अमावस्या थी उस रात को। दरअसल उनके घर के पास बजरंगबली का एक मंदिर था। उन लोगों ने डिसाइड किए कि आज लेट निकलेंगे टहलने के लिए, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और हमें महाआरती मिल जाएगी, क्योंकि महाआरती वहां पे थोड़ा लेट होती थी, 8:30 बजे के आसपास। किस्मत रही तो महाप्रसाद भी खाएंगे और फिर घर लौटेंगे। इतना बड़ा त्योहार है और जहाँ टहलने के लिए निकलते इतना बड़ा मंदिर है तो जाना स्वाभाविक है। सही बात है। जितेंद्र एक्साइटेड था, लेकिन आज ये लोग जब टहलने के लिए निकल रहे थे तो सोम के अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि आज जाना चाहिए। रोज निकलते थे टहलने के लिए, डेली जाते थे, उसी रास्ते में जाते थे, वहीं पे घूमते थे, लेकिन आज मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई अनहोनी इंतजार कर रही है उन लोगों का। होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि बहुत लोगों को फील हो जाता है कि शायद हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और उनके साथ बुरा हो भी जाता है। बहुत लोग पहले ही फील कर पाते हैं। सोम सेम टू सेम बात कुछ लोगों से डिस्कस भी करता है घर के। बोलता है कि पता नहीं आज मन नहीं कर रहा है, आज मैं जाना चाहता हूँ मंदिर, महाआरती देखना चाहता हूँ, इतना बड़ा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, फिर मतलब क्यों ऐसे अंदर से आवाज नहीं आ रही। तो घर वालों ने समझा है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कई बार ऐसे ही होता है, मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी तू आज जा, आज अच्छा दिन है। जितेंद्र टाइम पर पहुंचता है 7:45 बजे के आसपास घर। जितेंद्र को भी बताता है, जितेंद्र भी बोलता है यार मेरा भी मन नहीं कर रहा है। दोनों कुछ पलों के लिए सोचते नहीं जाए क्या, लेकिन फिर सोचते हैं कि इतना अच्छा पर्व तो हमें नहीं मिलेगा ना, रोज नहीं आता है, साल में एक बार आता है, तो बोले चलो जाते ही हैं। शाम के 7 बज रहे थे, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। ये लोग घर से निकलते हैं टहलते टहलते, मन भारी था, अभी भी ऐसे लग रहा था कि कदम घर की तरफ वापस लौटा दे। ना जाने क्यों इस तरह के मौसम में अजीब सी हवाएं चलने लगी थी। जिस एरिया में ये लोग चल रहे थे वहां की लाइट भी गोल हो गई थी, स्ट्रीट लाइट भी अब नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इस सुनसान जगह सुनसान रास्ते में उनका कोई पीछा कर रहा है। एक अजीब सा डर लिए वो लोग मंदिर में पहुंचते हैं। अब एक अपार शांति मिली। मंदिर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, पूजा हो रही थी, पहुंचे थे वहां पे, थोड़ा समय बिताते हैं और आखिरकार महाआरती का वक्त आ जाता है। महाआरती बढ़िया से होती है, बढ़िया। ये मग्न हो गए थे आरती में, पता ही नहीं चला कि आधे पौन घंटे कब निकल गए। अब जैसे ही महाआरती कंप्लीट होती है तो सोम कहता है कि चलो घर चलते। लेकिन जितेंद्र कहता है कि देखो 20-25 मिनट और रुक जाएंगे तो अपन को महाप्रसाद भी मिल जाएगा। महाआरती के बाद वहाँ का भंडारा खाना बड़ी अच्छी बात मानी जाती है और ये बहुत नसीब वालों को मिलता है कि आप कहीं पूजा में जा रहे हो और वहाँ पे आपको महाप्रसाद मिल रहा है। सोम का मन तब तक शांत हो चुका था क्योंकि उसके मन में जो भारीपन था कि कुछ गड़बड़ होने वाली, कुछ गड़बड़ होने वाली है, अभी तक तो नहीं हुई थी। इसलिए सोम घर जाना चाहता यार, अब तक कुछ नहीं हुआ है ना तो आगे भी नहीं होना चाहिए और मैं घर पहुंच जाऊं सेफली। लेकिन फिर भी यहाँ पर जितेंद्र ने ऐसी जिद की और ये जिद भी ऐसी थी कि इसमें मना करना अजीब लगता, क्योंकि वो महाप्रसाद खाने बोल रहा था, भगवान से रिलेटेड चीज ही बोल रहा था, तो मना करने में सोम को थोड़ा अजीब लगा। सोम ने बोला कि ठीक है यार, भगवान की ही चीज है, भगवान की ही जगह है, तो हम लोग महाप्रसाद खा के घर जाएंगे। अब ये लोग रुक जाते हैं, 9:45 बज जाते हैं, एक्चुअली 9 बज जाते हैं। महाप्रसाद निकलता है, खाते वाते हैं, अब मंदिर से बाहर निकलते हैं, फिर लाइट गोल हो गई। पता नहीं इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रही, कोइंसिडेंस था या फिर किस्मत कोई खिलवाड़ कर रही थी इनके साथ, समझ नहीं आता है। लाइट बंद होती है, ये लोग मंदिर से तकरीबन 300 मीटर आगे पहुंचते हैं कि अचानक से इन्हें थोड़ी ही आगे 4 औरत दिखाई देती है। ये 4 औरत ने पूरी तरह से सफेद साड़ी पहनी हुई थी, घूंघट डाली हुई थी और उसके अलावा कोई भी ज्वेलरी, कोई भी मेकअप नहीं, कुछ नहीं। घूंघट के सामने से थोड़े बाल जो बाहर आ रहे थे उन्हें देखकर ये समझ में आ रहा था कि ये
बूढ़ी औरतें हैं, सफेद बाल थे, पूरी तरह से सफेद बाल, और वो अजीब तरह की आवाज निकाल रही थी, हंस रही थी कि रो रही थी, ये समझ में नहीं आया। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और बुढ़ियों को देखे जा रहे थे। अब पास में जब थोड़ा पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया कि ये हंस रही है, और ये दोनों लड़कों को, सोम और जितेंद्र को, दोनों को नाम से जानती थी। उनका नाम लेती हंसते हंसते और अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। सोम के मन में घबराहट होती है, बोलते हैं कि कौन होगी यार, हम नहीं जाते। लेकिन वो हंसते हंसते बार बार उनका नाम पुकार रही थी, थोड़ी आगे पहुंच गए फिर भी पुकार रही थी। तो सोम और जितेंद्र ने सोचे कि पास में जाके पूछ तो है, क्या बात है भाई, आपको जानते हो क्या, क्या चाह क्या रहे हो, या फिर कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ये उनको नहीं जानती थी और वो इनको जानती थी। हाँ, बड़ी बात है। पलट के उनके पास जाते हैं, जैसे ही, मतलब ज्यादा दूर नहीं, इतना ही दूर, मतलब ये यहाँ पे खड़ी औरतें और यहाँ पे जहाँ पे लाइट है, यहाँ तक ये लोग पहुंचे। सोम उनसे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है। उतने में सोम के दोस्त की नजर नीचे पड़ती है, जैसी नीचे देखा, हाथ पकड़ा, बोला भाग। सोम कंफ्यूज, भागने क्यों बोल रहा है, बोला रुक तो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बोलता, पकड़ता है, खींचता और दौड़ दौड़ के भागने लगता है। अब भागते भागते क्या बोलता है, वो औरतों के पैर उल्टे हैं, तेजी से भागने लगे। वहां पे ना कोई नहीं था, रास्ते में सुनसान हो गया था, गांव की बात है, रात में जल्दी सुनसान हो जाता है, और कुछ लोग थे तो वो मंदिर में ही मौजूद थे, कुछ लोग थे घर चले गए थे, कुछ लोग थे सो गए होंगे। भाग रहे भाग रहे, अब सोम सोचता है कि पलट के तो देखू, हमारा पीछा तो नहीं कर रही, पलट के देखते हैं, पीछे कोई नहीं। चारों बुढ़िया औरतें, मतलब जो चल के भी जाए ना तो उनको टाइम लग जाए, इतनी बूढ़ी थी, वो गायब थी ये लोग। मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रॉपर सेकंड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हुए होंगे। अब पीछे से गायब, सोम घबरा गया, बोला कि ये क्या यार। लेकिन ये दोनों ने भागना नहीं रोके, नॉनस्टॉप भागे जा रहे। थोड़ी आगे, मतलब लगभग 200 मीटर 300 मीटर और दौड़ते हैं, अचानक से एक मोड़ आता है रास्ते में। वो मोड़ से ये लोग अपने शॉर्टकट घर का रास्ता पकड़ते हैं। सामने से सेम टू सेम वही औरतें चली आ रही। लेकिन इनका जो इस बार होलिया था वो पूरी तरह से खराब था, इनका होलिया पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, चेहरा जला हुआ था, बाल जो सेटल्ड दिख रहे थे घूंघट के पीछे वो पूरी तरह से सामने थे, जैसे हम फिल्मों में भूत चुड़ैल देखते हैं ना, उस तरह के। ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए, बोले अब क्या करेंगे। सामने से उनकी तरफ बढ़ रही है, जो कि शरीर पहले से झुका झुका लिए खड़ी थी, अब बिल्कुल तन के तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रही है इनकी तरफ। मतलब अब वो असली रूप में आ गए थे। ये दोनों जरूरत से ज्यादा घबरा गए, बोले अब तो मैटर हो जाएगा, भगवान का नाम लेना शुरू करो, बजरंगबली के मंदिर से आए हैं, उनका नाम दिल से पुकारेंगे, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। दोनों को कंठस्थ हनुमान चालीसा याद थी, दोनों ही जोर जोर से पढ़ना शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बर नाव रघुवर विमल जसु जो दायक फुलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसा मतलब नॉन स्टॉप पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो लोग कंप्लीट करते हनुमान चालीसा, वैसे ही वो लोग क्या पाते हैं कि पीछे से बहुत तेजी से पढ़ते हैं, और तेजी से पढ़ने वाले बहुत तेजी से पढ़ सकते हैं। क्या बात है कि पीछे से एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, एक आदमी की, भगत की जिंदगी कौन आदमी है, एक भगवा कपड़े पहने, लंबा चौड़ा, एकदम गोरा चिट्टा आदमी, ऐसा गाँव में कभी देखे ही नहीं थे। आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है, उसके हाथ में बड़ी सी लाठी है, जोर से पटक रहा है, बोल रहा है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इन्हें देख लूंगा। वो औरतें जो अब इनकी तरफ बढ़ रही थी, हनुमान चालीसा इन्हें पढ़ना शुरू किए थे तो उनकी चाल थोड़ी कम हो गई थी, वो ना अब बिल्कुल रुक सी गई इस आदमी को देख के। वो आदमी और जोर से तेज दौड़ना शुरू किया, इनको क्रॉस करके वो औरतों की तरफ गया, औरतों की तरफ गया, और लाठी ऐसा जमीन में किया, और ऐसा मारने वाला था कि औरत ऐसा भागी है, ये मारो किसको देख ली। साइड में जंगल वाला रास्ता था, सब लोग, मतलब वो तीनों चारों जो भी रही होगी वो चुड़ैल लोग, वो उस तरफ भागे, और ये आदमी लाठी पकड़ के उनके पीछे भागा। इनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ था कि वो चुड़ैल है, ये तो समझ रहे थे कि कुछ अजीब और गरीब औरतें, पता नहीं कैसी है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आवाज थी कि ये भूत हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान कभी दिख ही नहीं सकता जिस हुलिया में वो लोग दिख रहे थे। हाँ। और सोम के दोस्त ने उसका पैर भी तो उन लोगों को उल्टा देखा था। हाँ, तो वो आदमी गया, एक बार जोर से चिल्लाने की आवाज आई सबकी, फिर आवाज शांत, ये लोग ब्लैंक हो गए थे, स्टैचू बन गए थे वहीं पे, कि ये हो क्या गया, घट क्या गया हमारे सामने। वहां से जहां पे वो लोग भागे थे वहीं से अकेला वो आदमी बाहर आता है और बोलता है तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घर तक तुम्हारे साथ चलूंगा, कोई भी परेशानी हो तो मैं खड़ा हूँ, कभी फिक्र मत करना। अब ये लोग भी थोड़ा खुश हो जाते हैं कि इसने हमारी जान बचाई, घर में उसके साथ बढ़ जाते हैं। घर आता है सोम का,
जितेंद्र का पहले आता है एक्चुअली, तो जितेंद्र अपने घर में थैंक यू बोल के चले जाता है। अब बोलता है सोम को कि मैं भी तुम्हारे घर को तुमको छोड़ दूंगा। तो सोम भी उसके साथ अपने घर पर पहुंचता है और अब बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने मतलब हमें बचा लिए, तो हमें पता नहीं क्या हो जाता, वो चुड़ैल थी कि इंसान थी, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे अपनी मम्मी पापा को भी मिलाना चाहता हूँ, वो भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तो आदमी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है। वो सोम दौड़ते दौड़ते अंदर जाते, अपने पापा को बताते सारी बात फटाक से, मतलब ये 10 से 15 सेकंड के बीच की बात हो, क्योंकि पापा ने सुने कि जान बची है बच्चे की, तो हड़बड़ा के उठ के आया ना, किसने बचाया। 15 सेकंड में जब वो बाहर निकला अपने पापा के साथ, बाहर कोई नहीं, कोई भी नहीं, दोनों एकदम घबरा गए, इधर उधर देखे, कोई भी नहीं। रास्ता पूरा सीधा था घर का, पूरा सीधा, आजू बाजू भी ऐसा कुछ नहीं था जहाँ पे कोई छुप सके या जहाँ से कोई निकल सके, रास्ता मतलब ही नहीं, पूरा रोड था, वैसा रोड था, प्रॉपर सीधा रोड था, मोड़ भी नहीं था। 15 सेकंड में कोई इंसान कैसे गायब हो गया इनको समझ में ही नहीं आया। मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है शायद वो हनुमान जी थे जो इन लोगों को बचाने के लिए आए थे। आगे सुनो। अब सोम और पापा सोच में चले गए कि था क्या, घर पे सबको बताए, रात हुई। अब रात में सोम सोया बढ़िया, रात में एग्जैक्टली 11:30 से 12:15 बजे के आसपास इसको क्या सपना आया, इसे घर के सामने हनुमान जी खड़े हैं, ये अपने पापा के साथ बाहर निकला है, हनुमान जी ये दोनों को देखे, स्माइल किए और गायब हो गए, और पापा और सोम दोनों ढूंढने लगे। ये सपना था और ये उठा तुरंत। ये बहुत अच्छा सपना था जो कि हनुमान जी ने उनको ऐसे उनके पापा को दर्शन नहीं दिए, तो वो सपने में उनकी आत्मा को दर्शन दे दिया, वैसा वाला हो गया। हाँ, मतलब वहां पर मौजूद थे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहां पर मौजूद थे हनुमान जी। हाँ, लेकिन वो देख नहीं पाए, देख नहीं, जब उनकी इच्छा होगी तभी तो देख पाएंगे। आप बिना भगवान की इच्छा भगवान को देख नहीं सकते, और भगवान किस रूप में आपके सामने आ जाएंगे आप उनको देख भी लोग तो पहचान नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चल सकता। कितनी अनोखी और कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी ना। कभी कभी इस तरह की कहानियां मिलती है जिसको बताने में बहुत ज्यादा बहुत मजा आता है। मतलब कि अगर हनुमान जी नहीं आए होते टाइम पे तो शायद वो लोग बचते नहीं, वो औरतें उनको क्या करती उनके साथ नहीं पता। अब औरतें थी या कुछ और थी? जो भी वो औरतें जो भी थी चुड़ैल ही थी, क्योंकि उस रूप में दिखी थी, मतलब चुड़ैल ही होंगी वो लोग, तो भगवान ही जाने क्या था वो। खैर, आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लगा। इस वीडियो को अब तक देखे हैं तो पसंद जरूर आया होगा, तभी देखिए, और पसंद आया है तो लाइक करना और कमेंट करना आपका फर्ज बनता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग गया ना, तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आप लोगों के साथ उन लोगों का भी मनोरंजन हो और सभी लोगों की जानकारी बढ़े। हमें पहली बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसी तरह के हैरान कर देने वाले नौ की वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइए अपनी जिंदगी जुड़ से जुड़ी फिर से। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा, और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आपकी कहानी के साथ ही बन रहा हो। एक्चुअली क्या है कि बहुत रैप जैसा हो गया ना, इसलिए हंसी आ गई। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।